तो हमारा पहला अपडेट है टॉय एनिमेशन से लेकर। तो टॉय एनिमेशन का रिपोर्ट यार बाहर आ चुका है और पहली बार ऐसा हुआ है 7 सालों के अंदर कि वन पीस ने पहला प्लेस लिया है ज्यादा पैसों की कमाई में। इससे पहले ड्रैगन बॉल की जो सीरीज थी वो सबसे ज्यादा पैसा कमा कर देती थी टॉय को, लेकिन अब टॉय को सबसे ज्यादा पैसा कमा कर दिया है वन पीस ने, जिसने कमाई करके दिया है $114 मिलियन का। और सेकेंड नंबर में है हमारा और आपका प्यारा ड्रैगन बॉल जी की सीरीज, जिसने कमाई किया है $94 मिलियन का। और तीसरा नंबर में कौन सा एनिमे, इसका नाम मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप देख लो। हमारा नेक्स्ट अपडेट है एक हिंदी डब एनिमे से लेकर, जिसका हिंदी डब का काम अभी चल रहा है, जिसका नाम है वेलकम टू डीमन स्कूल। और इस न्यूज को दिया है एनिमे अपडेट जीरो ने, लेकिन जो ये न्यूज है इसके बारे में पोस्ट किया है ओटाकू न्यूज इंडिया ने। हमारा नेक्स्ट अपडेट है एयरटेल के डीटीएच से लेकर, तो उसके पेज ने यार ऑफिशियली पोस्ट किया है लेट योर एनिमे क्रेज टेक ओवर, एक्सप्लोर एनिमे वंडर्स फाउंड नाउ वेयर इल्स बट हेयर, सार्जेंट गेरियो नारुतो निंजा बॉय रंतारो नारुतो सिपुडेन, 2400 घंटे देखिए अनलिमिटेड एनिमे सिर्फ एनिमे बूथ पर, जो कि यार बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। मतलब यार इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक स्पेशली एनिमे के लिए यार चैनल निकाला गया है, जो कि सोनी ने निकाला, और जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है यार, इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। और हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि नारुतो सिपुडेन का हिंदी प्रोमो तो यार आ चुका है, जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार नारुतो की वॉइस चेंज हो गई है क्या, क्योंकि वॉइस थोड़ा अलग लग रही थी। तो देखिए वॉइस उस चेंज नहीं हुआ है, वो पूजा पंजाबी मैम का ही वॉइस है, सिर्फ उसका जो पिच है उसको यार बढ़ा दिया गया है। और सच बताओ तो जो पिच को बढ़ाया गया है बहुत ही ज्यादा घटिया लग रहा है सुनने में। सुनकर यार साफ साफ पता चलता है कि वॉइस को यार पिच को बढ़ाया गया है। पूजा मैम ने अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट किया है जैसा कि वो करते हैं, बट जो पिच बढ़ा दिया गया वो बहुत ही ज्यादा घटिया लग रहा है। इससे अच्छा ये रहता कि जो पूजा मैम की ओरिजिनल वॉइस है, मतलब जैसा कि नारुतो में थी, वही डाला जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। क्योंकि पिच जो चेंज किया गया वो मुझे बहुत ही ज्यादा खास नहीं लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। हमारा नेक्स्ट अपडेट है ग्रेट प्रेटेंडर से लेकर, तो ये एनिमे स्टार्ट होना शुरू होगा क्रंची रोल इंडिया पर 23 फरवरी से। हमारा नेक्स्ट अपडेट है कोड गियास से लेकर, तो इसके अब सारे एपिसोड सीजन 1 के हिंदी डब के अवेलेबल हैं क्रंची रोल पर। इसके बाद आज से थिएटर्स में लग चुकी है हसीरा ट्रेनिंग आर्क, मतलब डिमन स्लेयर का सीजन 4, जिसको रिलीज किया है सोनी पिक्चर्स इंडिया ने, जिसने ड्रैगन बॉल सुपर हीरो को भी हिंदी डब के साथ रिलीज किया था 2022 में। हमारा नेक्स्ट अपडेट है द लास्ट एयर बेंडर अवतार की सीरीज से लेकर, जो कि अब नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रही है। हमारा अगला अपडेट है एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से लेकर जिसका नाम है दिशा पाटनी, जिसने यार स्क्रीनिंग ज्वाइन किया है डिमन स्लेयर हसीरा ट्रेनिंग आर्क का, जो कि ठीक ही बात है। हमारा अगला अपडेट है एनिमे बूथ टीवी चैनल से लेकर। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि भाई हमारे डीटीएच में टाटा स्काई डिश टीवी वगैरह वगैरह जो भी यार डीटीएच आता है, तो उसमें यार ये चैनल अवेलेबल नहीं है एनिमे बूथ टीवी, तो हम लोग क्या करें, हम लोग नारुतो सिपुडेन कैसे देखेंगे और जो नारुतो स्टार्ट हो चुका है वो कैसे देखेंगे। तो देखो न्यूज वेक्टर ने पोस्ट किया है, भाई जिनके पास एयरटेल डीटीएच नहीं है वो कैसे देखेंगे एनिमे बूथ चैनल को, तो टाटा स्काई प्लीज लॉन्च एनिमे चैनल। तो टाटा स्काई ने रिप्लाई किया है कि हम अभी उस चैनल पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे प्लेटफॉर्म पर भी न्यू चैनल आने वाला है, और ब्लैक क्लोवर का हिंदी डब भी आने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। हमारा अगला अपडेट है जुजुत्सु काइसेन सरपास यूट्यूब इन ब्रांड रैंकिंग्स। हमारा अगला अपडेट है डिमन स्लेयर नारुतो ब्लैक क्लोवर एंड मेनी मोर टू एयर हिंदी ऑन एयरटेल एनिमे बूथ, और इसके बारे में पोस्ट किया है IGN इंडिया ने। हमारा अगला अपडेट है हिडन एक्सोडा 2.0 से लेकर, तो जिनको भी यार टेंशन हो रहा है कि अभी सिर्फ एनिमे बूथ टीवी एयरटेल में अवेलेबल है तो बाकी सब में आएगा कि नहीं, तो डोंट वरी, उसमें भी आ जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो टूनामी चैनल भी जब लॉन्च हुआ था तो वो सबसे पहले एयरटेल में आया था, सोनी भी सबसे पहले एयरटेल में आया था, और एनिमे बूथ टीवी भी सबसे पहले इसी में आया, लेकिन इसके बाद बाकी के भी प्लेटफॉर्म पर वो आ चुके थे। हमारा अगला अपडेट है जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 से लेकर, तो इसके सारे हिंदी डब के एपिसोड्स और तमिल डब के एपिसोड्स अवेलेबल हैं क्रंची रोल इंडिया पर।
हमारा अगला अपडेट है ड्रैगन बॉल डाइमा से लेकर। तो डीबीएस क्रॉनिकल्स का एक यार ब्रॉडकास्ट चैनल है जहां पर विक्सर ने पोस्ट किया था कि क्रॉनिकल्स ने कुछ ऐसा यार जानकारी दिया है ड्रैगन बॉल डाइमा के बारे में जिसे सुनकर यार बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। और ये ऐसा स्पॉइलर है जो कि यार सुनोगे तो यार मजा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए डीबीएस क्रॉनिकल्स ने मना किया है तो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी ओपन करना सही नहीं रहेगा, तो मे भी बाद में हमें पता चल जाए। हमारा अगला अपडेट है पीवीआर सिनेमा से लेकर। तो उसने यार पोस्ट किया है विच एनिमे यूनिवर्स होल्ड द टॉप स्पॉट इन योर हार्ट। तो इसमें मेरा सबसे फेवरेट है आपको पता ही होगा जी ड्रैगन बॉल जी। हमारा अगला अपडेट है वन पीस से लेकर। तो वन पीस का चैप्टर नंबर 108 के बहुत सारे स्पॉयलर्स बाहर आए हैं। तो चलो आज के अपडेट्स में सिर्फ इतना ही। टाटा।